गुड़ैंसी लीडर्स, गुड़ैंसी वेलकम टू ऑल लीडर्स, सभी का स्वागत है आज के हमारे इस लाइव सेशन के अंदर। वेलकम टू ऑल लीडर्स, सभी का स्वागत है। ओके, हमारे साथ काफी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ चुके हैं। ऋषि द्विवेदी वेलकम, आशिक कोले जी वेलकम सर, गुड़ैंसी राजेंद्र शर्मा जी थैंक यू मोस्ट वेलकम, सतीश जी वेलकम, आपका भी स्वागत है सर। आशिक कोले जी गुड़ैंसी भारत, संदीप शर्मा जी गुड़ैंसी वाराणसी से वेलकम सर, जबरदस्त गुड़ैंसी। राज बहादुर जी वेस्ट बंगाल से आशिक कोले जी वेलकम सर, सुमन मंडल भालोवासी, शिवकेश वर्मा वेलकम, प्रियंका सोनिया जी गुड़ैंसी मैडम, बलराम जी कुशवाहा जी विष्णु जी, राज बहादुर पाल मोस्ट वेलकम। ओके, अजय कुमार जी पवन साहब जी गुड़ैंसी गुड़ैंसी, पवन सुल्तानपुर ओके, राजेंद्र शर्मा जी वेलकम, अखिलेश यादव जी, संदीप शर्मा जी ओके गुड़ैंसी मोस्ट वेलकम सर, राज बहादुर जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद चौरसिया जी शालिनी व्यक्ति जी ओके वेलकम, प्रेमचंद गुड एम सी सर जी गोरखपुर, गोविंद चौरसिया थैंक यू सर, आरती साहू जी वेलकम सर वेलकम, गुड एम सी चंद्रभान सर गुड एम सी, अंकज दुबे जी गुड एम सी, मोहन प्रसाद गुप्ता जी गुड एम सी, उग्रनाथ गोस्वामी जी गुड एम सी, संदीप शर्मा जी, अभिषेक कश्यप सर गुड एम सी वेलकम सर वेलकम वेलकम, मुकेश कुमार वर्मा जी वेलकम, एम डी एम डी सर वेलकम, संत सिंह चौधरी सर वेलकम सर वेलकम, महेंद्र मौर्य जी वेलकम सर वेलकम, जयप्रकाश सर वेलकम, गुड एम जी जयप्रकाश सोनी जी, यस जागो रे एक बार फिर से जागो रे, वंस अगेन जागो रे, यस जागो रे थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से अवसर देने के लिए मुझे। राज बहादुर पाल नाइस लुकिंग सर, अरे सर थैंक यू थैंक यू सर, बलराम कुशवाहा जी वेलकम सर, उषा देवी जी नाइस लुकिंग जी वेलकम, गुड एंड सी प्लेस वेलकम, थैंक यू राजीव साकेत जी, आई एम ऑल्सो देयर मैं आपके साथ हूँ, बल्ले बल्ले यस गुड आई एम सी जिंदगी वेलकम, रवीश पाल जी देवेंद्र शर्मा जी रामचंद्र वर्मा जी रवीश पाल जी, जाग जाएंगे अरे वाह वेलकम, ज्ञान प्रकाश जी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है, संत सिंह चौधरी सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, अनिल गुप्ता वेलकम सर थैंक यू सर थैंक यू,
थैंक यू, थैंक यू सर्वेश पाल जी, थैंक यू। ओके यस, जागो रे, एक बार फिर से हमें जागना है, एक बार फिर से अवसर मिला आज इस पेज के माध्यम से आप तक अपने विचारों को पहुंचाने का, अपनी बातों को पहुंचाने का। गोविंद चौरसिया जी, नाइस सॉन्ग सर जी, यस बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लगभग लगभग 60-70 की संख्या में लोग जुड़ चुके हैं। मैं सभी सभी क्राउन प्रेसिडेंट्स का स्वागत करता हूं, हमारे भविष्य के सभी क्राउन प्रेसिडेंट का मैं वेलकम करता हूं। एक बार फिर से गर्दा उड़ेगा आज, अरे बिल्कुल थैंक यू। और एक बार फिर से अवसर दिया आज मुझे अपने विचारों को आप तक रखने के लिए, या फिर मैं कह सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर अपनी बात को पहुंचाने का जो अवसर प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे लिए प्राउड की बात है। और यकीन मानिए मैं इस प्रोग्राम का जो इंतजार है बहुत ही बेसब्री के साथ करता हूँ, बहुत बेसब्री के साथ करता हूँ। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इस प्रोग्राम का प्रमोशन नहीं करते, उनको लगता है कि रोज ही तो होता है, उनको लगता है कि रोज ही तो होता है, रोज 1 बजे ये पहुंच जाते हैं लेक्चर लेके और 1 घंटे पता नहीं क्या बताते हैं और निकल जाते हैं। वो शेयर करने से डरते हैं, उनको लगता है कि कहीं इनको पद्म भूषण अवार्ड ना मिल जाए, उनको लगता है कि कहीं इनको पद्म भूषण अवार्ड ना मिल जाए उनके शेयर करने से, उनके लाइक कर देने से, उनके कमेंट कर देने से। तो ऐसे लोग बचते हैं, वो चुप छिपा के चुपचाप प्रोग्राम को देखते हैं, किसी को पता नहीं लगने देते, सोचते हैं कि कहीं इनको पद्म भूषण अवार्ड मिल गया तो फिर हमारा क्या होगा। तो माय डियर फ्रेंड, किसी के विचारों को किसी की भावनाओं को हम नहीं बदल सकते, उनकी सुरक्षा है, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। ओके सर्वेश पाल जी, जबरदस्त सेशन होगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबके उम्मीदों पे मैं खरा उतरूं। और मेरा जो मिशन है यही है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एजुकेशन की तरफ लेकर जाऊं, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर बहुत सारी गलत फहमियां हैं जो मार्केट के अंदर घूम रही हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको एक चमत्कार की तरह देखते हैं। मैं वो सारी गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा और इस इंडस्ट्री के अंदर एजुकेशन लेके आऊंगा, इस इंडस्ट्री के अंदर रेवोल्यूशन लेके आऊंगा और प्रयास करूंगा कि इस बिजनेस के अंदर जुड़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने जीवन में कामयाबी को जरूर प्राप्त करे। ओके, तो एक बार फिर से सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा इस पेज के साथ जुड़ने के लिए, लगातार शेयर करने के लिए। माय डियर फ्रेंड, आज इस पेज पे यानी कि 15 तारीख को एक बार फिर से हमें अवसर मिला, इस क्रांतिकारी पेज को मैं सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूंगा इस पेज को। ये ना सिर्फ पेज रहेगा, एक ये क्रांति बन चुकी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा चर्चित पेज, चर्चित प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट जो पेज है सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला पेज है और बहुत ही तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। मुझे लगता है कि मोनेटाइज भी कर दिया गया है इस पेज को और बहुत जल्द इस पेज में ब्लू टिक भी लगने वाला है, वो दिन दूर नहीं जब इसे फेसबुक पे वेरीफाइड करेगा कि अगर सफलता के लिए आप कुछ ढूंढ रहे हैं और सफलता के लिए असली ज्ञान की अगर आपको आवश्यकता है तो इस पेज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। बाकी पेज तो डीएन सिंह पेज है, बाकी सब डुप्लीकेट हैं। तो अगर सही तरीके से अगर आप अपने नॉलेज को गेन करना चाहते हैं तो इस पेज के साथ लगातार जुड़े रहिए। साथ ही साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा उस शख्सियत को जिन्होंने इस पेज को बनाया है, उसको नवनिर्माण किया है। ये जिस व्यक्ति के दिमाग की ये उपज है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वो एक क्रांति पुरुष है, वो महान पुरुष है इस सदी के, इस 21वीं सदी के, वो कृष्ण है जो हम जैसे युवाओं को, हम जैसे लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, सही रास्तों पर चलने का माध्यम बता रहे हैं। वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है। उनके बारे में कहना चाहूंगा कि किसी समय पे वो फुटपाथ में चप्पल बेचा करते थे, लेकिन आज लोगों को फुटपाथ से उठा के फर्श से अर्श तक का सफर तय करवा रहे हैं। वो पूरी की पूरी संस्था है जो आज लोगों को फर्श से अर्श का
अर्श तक का सफर तय करवा रहे हैं। किसी समय पे वो मोहल्ले मोहल्ले गली गली दुकान दुकान जाके लोगों को बल्ब बेचा करते थे और लोगों के घर पे रोशनी हुआ करती थी, लेकिन आज वो लोगों के जीवन में रोशनी डाल रहे हैं, लोगों के जीवन के अंदर रोशनी डाल रहे हैं, उनके परिवार के अंदर रोशनी डाल रहे हैं। वो कोई और नहीं जिन्होंने आज डीएन सिंह से डॉक्टर डीएन सिंह तक का सफर तय किया, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे धाकड़, सबसे तेज तर्रार, सबसे खतरनाक, अपनी टीम के लिए कुछ भी कर गुजर जाने वाले शख्सियत डॉक्टर डीएन सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा, एक बार पुनः मुझे अवसर दिया लोगों से बात करने के लिए, लोगों से चर्चा करने के लिए, अपनी विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं डॉक्टर डीएन सर का, जिनका आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता रहता है, लगातार मैं उनके संपर्क में हूं। बहुत शानदार बातें, दिमाग का जो गार्बेज होता है ना, दिमाग के अंदर जो कचड़े होते हैं उनको निकालने के लिए किसी ऐसे ही शख्स की आवश्यकता पड़ती है। वो क्रांति पुरुष हैं अगर जो उनके संपर्क में रहेगा। कहते हैं ना कि शरीर के जिस हिस्से में खून का दौड़ा रुक जाता है उस हिस्से के अंदर लकवा मार जाता है। शरीर के जिस हिस्से के अंदर खून का दौड़ाव बंद हो जाता है उस हिस्से में लकवा मार जाता है। ठीक उसी प्रकार से डीएन सर का फोन जहां जाना बंद हो जाता है वहां लोगों के दिमाग में लकवा मार जाता है। तो आपकी जिम्मेदारी है लगातार उनके संपर्क में बने रहिए। अगर कम्युनिकेशन लगातार बना रहेगा तो आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे, और कम्युनिकेशन टूट गया, छूट गया, तो फिर मानसिक तौर पे लकवा जरूर मार जाता है दिमाग पे, वो व्यक्ति भटक जाता है। साथ ही साथ में बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा हम सबके महागुरु, गुरुओं के भी गुरु, जिन्होंने आज एक हिस्ट्री क्रिएट किया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। महज 9 वर्षों के अंदर एक क्रांति लिख दिया है, लाखों लोगों के जीवन के अंदर प्रकाश डाला है। आज एक आदर्श है हमारे, एक इंस्पिरेशन है हमारे, जिनको देख के मैं उनके पदचिन्हों पर चल रहा हूं। मैं उनके लिए कहता हूं कि है वही सूरमा इस जग में जो खुद की राह बनाता है। कोई चलता पदचिन्हों पे, कोई खुद पदचिन्ह बनाता है कि ऐसे शख्सियत जिन्होंने अपने परिवार की दिशा और दशा सब बदल दिया और खुद के पदचिन्ह बना के और हजारों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन करते हैं। मैं बताना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा, इस धरती पे लोग हजारों हैं, बहुत लोग हैं इस धरती पे, लेकिन उनमें से कामयाब कुछ होते हैं। लोग बहुत हैं इस धरती पे लेकिन उनमें से कामयाब कुछ होते हैं, और उन कुछ लोगों में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने से छोटों को, अपने से नीचे वालों को, अपने से कमजोर लोगों को ऊपर आगे बढ़ाने की जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, फट लगाते हैं। ऐसे हैं हमारे प्यारे चहेते, हमारे महागुरु, हमारे अपलाइन, हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे मेंटोर, हमारे आदर्श, हमारे स्वाभिमान। गर्व होता है ये बताते हुए कि वो मेरे अपलाइन है, वो कोई और नहीं, वो है नेल्सन मंडेला अवार्ड विनर डॉक्टर अजय जी शर्मा जी। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, ईश्वर से धन्यवाद कहता हूं कि आपने इतना खूबसूरत अपलाइन, एक खूबसूरत आदर्श हमें दिया, जिनके सानिध्य में रह के, जिनके सानिध्य में रह के हमारे जीवन के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन आया, पूरे 360 डिग्री का परिवर्तन, जिसको मैं देख के तो खुश हूं लेकिन हमारे पड़ोसी देख के बड़े हैरान है कि ये क्या हो गया। आपके साथ भी ये घटना होती होगी। ओके, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, यहां पे सब कुछ संभव है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा जिनके कारण आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, जिनके कारण मैं आज आपके सामने बैठा हूं, जिनसे मैं हूं, जिन्होंने मुझे इस धरती पे उतारा। कहा जाता है कि आपके प्रथम गुरु आपके गुरु होते हैं, फिर द्वितीय गुरु आपके माता पिता होते हैं, तो प्रथम और द्वितीय दोनों गुरु मेरे पिता ही थे, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, मुझे मेरे कमजोरियों को छिपा के मेरे अंदर जो पोटेंशियल था उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। शायद अगर वो आज मुझे नहीं बोले होते कि शिवम तुम कर सकते हो, तो शायद मैं भी एक छोटी सी नौकरी की तलाश कर रहा होता, उन युवाओं की तरह जो आज अगर उनसे सवाल पूछा जाता है कि सर ये मेरे भाई क्या करना चाहते हो बड़े होके, तो कहना चाहते हैं मैं देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूं। फिर पूछेगा कोई क्या करना चाहते हो उस देश के लिए, कहेंगे मैं देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन जब उम्र हो जाती है, पढ़ाई हो जाती है, तो बेचारे नौकरी करना शुरू कर देते हैं। अभी देश को देने की हम बात करते थे, कुछ देश को देंगे, कुछ बड़ा करेंगे, उल्टा देश को अब उनको देना पड़ रहा है, उल्टा वो देश को खोखला करने, क्योंकि नौकरी एक ऐसी मानसिकता होती है जहां पे लोग इस विचारधारा के साथ आते हैं कि काम कम करना पड़ेगा, पैसा ज्यादा आएगा। यकीन मानिए ये विचारधारा का पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलेगी तो पूरा देश खोखला हो जाएगा हमारा।
जबकि युवा ही हमारे देश के शान है। हम पूरे पृथ्वी के अंदर सबसे युवा कंट्री में हमारा नाम गिना जाता है। 2012 में लोकसभा सदन के अंदर सुषमा स्वराज जी ने एक बात कही थी, हम सबको गर्व करना चाहिए, हम सबको फक्र करना चाहिए कि हमारा जो देश है सबसे युवा देश है। पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व के अंदर हम सबसे युवा देश है। हमारे देश में युवाओं की सबसे ज्यादा संख्या है। मैं तो कहता हूं कि गर्व की बात नहीं है, ये विचार करने वाली बात है कि हमारा देश सबसे युवा देश है और हमारे देश में ही ऐसे संसाधन नहीं है जहां पर युवाओं को रोजगार मिल सके। तो युवा रह के भी क्या कर लेगा, वो गर्म खून ही किस काम का, जिसपे जिसके लिए कोई काम ही ना बना हो, बेचारे कहां लेके जाए अपनी एनर्जी, रहे हैं युवा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा मिस्टर गुलाब नामदेव सर का, वो आज किसी कारणवश किसी इमरजेंसी कारण थोड़ा सा बाहर निकल गए, नहीं तो वो भी आपके साथ जुड़ते, आज आपसे बात करते। तो उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे डाली हुई है और मैं आपसे वादा करता हूं कि उन जिम्मेदारियों के ऊपर मैं खरा उतरूंगा और आप सबसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन लेके आएगा। पिछले 4 वर्षों से मैं भी इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म को सीख रहा हूं माय डियर फ्रेंड। इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक सामान्य पॉलिटेक्निक का छात्र था। हर व्यक्ति की सोच होती है कि पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करेगा, क्योंकि उसके उसके एजुकेशन सिस्टम के अंदर यही चीज डाली गई है कि पढ़ लिख के नौकरी करेगा, क्योंकि और उसके अलावा कुछ सीख ही नहीं पाता। जिस देश का नाम ही आप नहीं जानते उस देश पे पहुंचने की बात तो आप सोच ही नहीं सकते। मुझे भी सेम बात पता थी कि पढ़ लिख के सिर्फ नौकरी की जा सकती है और कुछ किया ही नहीं जा सकता और कुछ काम बने ही नहीं है। लेकिन ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि इस बिजनेस मिला, और बिजनेस मिलने के बाद कई समय तक मेरे अंदर भी एक फॉल्स ईगो था, एक छोटा ईगो कहेंगे उसको, कोई सत्यता नहीं कहेंगे, छोटा फॉल्स ईगो, एक झूठा एटीट्यूड था हमारे अंदर कि मैं इतना पढ़ लिख के इस काम के लिए बना हूं, मैं ये करूंगा, मैं जाके लोगों को प्रोडक्ट बताऊंगा। माय डियर फ्रेंड, मेरे अंदर भी एक भ्रांतियां थी, मेरे अंदर भी एक गलतफहमी थी। वो गलतफहमी ये थी कि चार लोग क्या कहेंगे, चार लोगों के सामने मेरी बेइज्जती होगी, वो चार लोग मुझे किस नजर से देखेंगे, वो चार लोग मुझे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा आपके साथ भी अगर ऐसी घटना हो रही तो आप विचार करिए कि उन चार लोगों के सामने बेइज्जती ना हो, इसलिए आप 40 लाख लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन चार लोगों के सामने आपकी बेइज्जती ना हो इसलिए आप 40 लाख लोगों को छोड़ रहे हैं जिनके सामने आपकी इज्जत बढ़ सकती है। अगर मैं भी उन चार लोगों की आज फिक्र किया होता तो आज इस प्लेटफॉर्म के अंदर मुझे हजारों लोग देखेंगे, ये देख रहे होंगे, आगे भी देखेंगे, शायद इनके सामने मेरी रिस्पेक्ट, मेरी रिपुटेशन नहीं बन पाते। लेकिन वो चार लोग हमारे जीवन को खराब कर देते, उन चार लोग की जो सोच है ना वो हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देते। मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, मैंने एक चीज समझ लिया कि इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा व्यवसाय, इतनी बड़ी पोटेंशियल भरी इंडस्ट्री, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर बाई च्वाइस आया, एजुकेशन देखने के बाद, इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल को देखने के बाद मैंने भाप लिया कि आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर वो परिवर्तन आने वाला है जिस परिवर्तन को लोगों ने आज तक देखा नहीं। मैंने पिछले प्रोग्राम के अंदर आपको बताया था कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। उसमें मैंने एक बात और बताई थी, मैंने उस प्रोग्राम के अंदर एक बात और बताई थी कि पिछले 1000 सालों के अंदर जो परिवर्तन नहीं आया है वो पिछले 100 सालों के अंदर आया है, पिछले 100 सालों के अंदर जो परिवर्तन नहीं आया है पिछले 20 सालों के अंदर आया है, पिछले 20 सालों के अंदर जो परिवर्तन नहीं आया है पिछले 10 सालों के अंदर आया है, पिछले 10 सालों के अंदर जो परिवर्तन नहीं आया है वो पिछले 2 सालों के अंदर आया है। और मैं शिवम नामदेव छाती ठोक के एक बात कहता हूं कि पिछले 2 सालों के अंदर जो आपने परिवर्तन नहीं देखा वो अगले 2025 तक आप देखने वाले हैं। सारे संसाधन खत्म होने वाले हैं, सारे प्लेटफॉर्म उठने वाले हैं, वो सारा कुछ हट जाएगा जिससे आज आपका रोजगार चल रहा है। जितना खतरनाक रेवोल्यूशन आ रहा है, ऐसे ऐसे इन्वेंशन हो रहे हैं, ऐसे ऐसे खोज हो रहे हैं। चाइना को देखिए, चाइना ने अपने खुद का चंद्रमा बना लिया है। जापान में आप जाके देखेंगे, जापान के लोग एक ऐसी मशीन का खोज कर रहे हैं जो मोबाइल चार्ज लेगा फिर भी पेट भर जाएगा, खाने की आवश्यकता नहीं है। कहां पहुंच रही, क्या लगता है आपकी कितनी जरूरत रह जाएगी इस धरती पर। आर्टिफिशियल एजेंसी तेजी के साथ मार्केट के अंदर काम रही है कि रेगुलर आदमी जो काम कर रहे हैं, जो मैनुअल जितने भी काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे काम मार्केट से हट जाएंगे। आज मार्केट के अंदर मेट्रो चल रही है, कोई ना टीसी आता है ना कोई ड्राइवर बैठता, ऑटोमेटिक चल रही, पूरे हिंदुस्तान के अंदर से टीसी खत्म हो जाएंगे।
ऐसे तमाम तमाम संकेत हमारे वैज्ञानिक आपको दे रहे हैं, लेकिन अगर आज भी हमने सतर्कता नहीं बरती, अगर आज भी हमने अपने अंदर परिवर्तन नहीं किया, अगर आज भी हमने बदलाव नहीं किया, यकीनन यकीनन आप भविष्य में जाकर पश्चाताप करने वाले हैं। अक्सर होता क्या है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर दूर से दौड़ता हुआ आता है, वो देख के आता है कि पीछे से सुनामी आ रही है। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर दूर से दौड़ना शुरू करता है, देख लेता है पीछे सुनामी आ रही है। 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद एक शख्स उसे मिलता है, वो कहता है कि भाई तू भी भाग, पीछे सुनामी आ रही है। भाई तू भी भाग, पीछे सुनामी आ रही है। तब वो व्यक्ति बोलता है, चल हट, मेरे क्षेत्र में सुनामी आ ही नहीं सकती, ये मुझे साला गुमराह कर रहा है, झूठ बोल रहा है। वो व्यक्ति तब तक नहीं भागता जब तक सुनामी उसके पीछे नहीं आ जाती, लेकिन जैसे सुनामी आ जाती है तब वो दूसरों को बचाने के लिए नहीं, खुद को बचने के लिए भागता है। जबकि उसके पास अवसर था, उस व्यक्ति के बात मानता और साथ में भागता, तो आज न जाने कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन ला देता। लेकिन वो व्यक्ति इंतजार किया कि मेरा समय खराब आ जाए तब मैं काम करना शुरू करूंगा। वो काम मजबूरी भरा होता है, मजबूरी भरा होता है। मजबूरी में किया गया काम आपके दिमाग को और आपके शरीर को दोनों को ही खत्म कर देता है, दोनों को ही तबाह कर देता है। माय डियर फ्रेंड, इस प्रोग्राम के लिए भी मेरे अंदर बहुत एक्साइटमेंट होती है। ये एक्साइटमेंट के बारे में आपको बताना चाहूंगा, ये ठीक वैसी ही एक्साइटमेंट होती है जैसे दीपावली आने के एक दिन पहले होती है। ये ठीक वैसी एक्साइटमेंट होती है जैसे होली आने के एक दिन पहले होती है कि यार कल होली है, आज एकदम मजा आने वाला है। ठीक उसी प्रकार से इस प्रोग्राम की तैयारियां होती है, एक त्यौहार की तरह इस प्रोग्राम को हम देखते हैं। कितना जल्दी एक बज जाए और कितने जल्दी इतने सारे लोगों से मुलाकात हो, कितने जल्दी मैं अपनी बातों को बताऊं, कितने जल्दी लोग मुझे देखें, लोग मुझे सुने, एक ऐसा एक्साइटमेंट होता है और मजा भी आता है, मजा भी आता है। एक्साइटमेंट के साथ किया गया काम हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है और काम में मन भी लगता है। अभी हाल फिलहाल में मेरे घर के पास, मेरे घर के थोड़ी दूरी पे एक माता का मंदिर बन रहा था। मैं प्रत्येक दिन ऑफिस जाता था, ऑफिस से घर आता था, मेरी जो ऑफिस आउटलेट यहाँ पे बना हुआ हमारे क्षेत्र पे, मैं प्रत्येक दिन वहां जाया करता था। मैं देखा करता था कि वहां पे सैकड़ों कर्मचारी काम करते थे, सैकड़ों लेबर काम किया करते थे। गर्मी का महीना था, जून जुलाई का समय, पसीने से तरबितर था बंदा, पसीने से तरबितर था। सारे के सारे मजदूर एकदम परेशान रहते थे, सर पे तगाड़ी फावड़ा लेके काम किया करते थे, मेहनत किया करते थे। मैं हर दिन देखा करता था, लेकिन उन्हीं सैकड़ों मजदूरों में से एक मजदूर ऐसा था जो मुस्कुराया करता था, जो गीत गाया करता था, जो खुशी खुशी काम किया करता था। मैं प्रत्येक दिन उसी मजदूर को देखकर मेरे अंदर सवाल पैदा हुआ करते थे कि यार इसको कौन से ऐसे खजाने मिल गए कि ये बंदा मुस्कुरा के काम किया करता है, मुस्कुरा के काम कर रहा है। कई दिन गुजर गए, कई सप्ताह गुजर गए, एक दिन मेरे से रहा नहीं गया। मैंने गाड़ी रोकी और उस बंदे को मैंने बुलाया कि भाई इधर आ, तेरे पास ऐसी कौन सी तिजोरी की चाबी मिल गई तो तू इतने खुशी खुशी काम कर रहा है, बाकी सब तो बेचारे हैरान परेशान पसीने से तरबतर हैं। तो उस बंदे ने एक बात बोली कि काम वो भी कर रहे हैं, काम मैं भी कर रहा हूं, पसीने से वो भी तरबतर है, पसीने से मैं भी तरबतर हूं, मेहनत मेरी भी हो रही है, मेहनत उनकी हो रही है, लेकिन उनमें हमारे मंत्र सिर्फ इतना है कि ये जो मंदिर बन रही है उस मंदिर को बना हुआ देखने के लिए मैं सबसे ज्यादा उत्साहित हूं, क्योंकि मेरा पूरा परिवार इसी मंदिर पे आके पूजा करने वाला है प्रत्येक दिन। इसलिए मैं खुश हूं, इसलिए मैं उत्साहित हूं, और वो उत्साह मुझे थकने नहीं दे रहा है, उत्साह मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं हंसूं, ये उत्साह मुझे गीत गाने पर मजबूर कर रहा है। मैं गाना गाता हूं कि लेके पूजा की थाली जोत मन में जगा ली तेरी आरती उतारू प्यारी माँ। वो यही गीत गा के रोज तगाड़ी उठाया करता था, खुशी खुशी सारे गम को भूल जाता था। तो माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस के अंदर अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, तो मजा तभी आएगा जब आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होगी। एक्साइटमेंट तभी होगी जब आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि आप काम क्यों कर रहे हैं, वो कारण क्या है। पिछले 4 सालों के अंदर बहुत सारी अचीवमेंट इस बिजनेस ने, इस 4 सालों के अंदर बहुत सारी अचीवमेंट इस बिजनेस ने हमें दिलाई। सबसे बड़ा परिवर्तन तो मैंने ये देखा कि मुझे अपने जीवन का कारण पता चल गया है, वाकई मैं क्यों हूं, मेरा वजूद क्या है, मेरा वर्चस्व क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, मैंने क्या किया, वो नहीं मैं क्या कर सकता हूं, इस विषय में मुझे सोचने के लिए मजबूर किया इस इंडस्ट्री ने।
मुझे खुद की शक्तियों का ज्ञान दिलाया इस इंडस्ट्री ने, क्योंकि कहता हूं, मैं अक्सर कहता हूं कि इस धरती पे किसी इंसान का जो जन्म है ना, दो बारी होता है। पहला तो तब जब वो जन्म लेता है, दूसरा तब जब उसे उसके जीवन का कारण पता चल जाता है कि इस इंडस्ट्री ने मुझे मेरे जीवन का कारण बता दिया कि तू क्यों पैदा हुआ है, और उसी कारण के पीछे मैं भाग रहा हूं, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि उचित क्या है, मुझे पता चल गया है कि मूल क्या है। अगर किसी को पता चल जाए कि आपके जीवन में उचित क्या है, तो उस काम को करने के लिए रीजन ढूंढिए, उसको करने की ना करने के बहाने मत ढूंढिए। तो मैं आज काम करने के तरीके ढूंढता हूं, काम करने के नए नए इन्वेंशन खोज करता हूं, नए नए पैंतरे आजमाता हूं, काम ना करने के बहाने नहीं ढूंढता। इस बीच बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे लोग काम को पकड़े, बहुत सारे लोग काम छोड़ दिए। जो पहले गए वो भी आज वापस आ रहे हैं, वो भी आज वापस आ रहे हैं। कई बार टीम के अंदर टकरार हुई, कई बार मीटिंग सफल नहीं हुई, कई बार डेमो सफल नहीं हुए, कई बार प्रोडक्ट बिचे, कई बार प्रोडक्ट नहीं बिचे, कई बार बहुत बड़े बड़े नेटवर्कर आए हमारे सामने बैठे, प्लान लिए, उन्होंने बोला सब बेकार है। ऐसी भी स्थितियां हुई, तरह तरह की स्थिति परिस्थिति होने के बावजूद भी आज हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि हम टिके हुए थे, टिके हुए थे, लगातार टिके हुए थे। स्थिति परिस्थिति बदलती गई, फर्क नहीं पड़ा, हम टिके हुए थे। शायद यही कारण है कि आज से एक साल दो साल पहले कुछ मनी सर्कुलेशन कंपनियों के चक्कर में जो लोग भाग गए, आज पुनः वापस आ रहे हैं, क्योंकि हम टिके हुए थे, हम डटे हुए थे। लेकिन यहीं पे लोग क्या गलती कर देते हैं कि टीम छूटी नहीं, आप पहले 9-11 हो जाते हो, तो आप में उनके अंदर कोई फर्क ही नहीं रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो ये डायरेक्ट सेलिंग का जो ढपोसला करके मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां जो डायरेक्ट सेलिंग का चोला पहन के मार्केट के अंदर काम कर रही हैं, सब बुलबुले फूट जाने वाले हैं। इंतजार करिए, इंतजार करिए, बस थोड़ा सब्र रखिए और डटे रहिए। अक्सर हम लोग एक बात कहा करते हैं कि इस IMC को मैंने फला फला डेट के दिन ज्वाइन किया। क्या ज्वाइन किया? आप नौकरी कर रहे हैं। बिजनेस को कभी ज्वाइन नहीं किया जाता, बिजनेस को कभी ज्वाइन नहीं किया जाता, बिजनेस का स्टार्टअप किया जाता है, शुरुआत किया जाता है। कभी आपने सुना ऐसा कि बिरला, अंबानी, अडानी ने बोला हो कि मैंने जियो को ज्वाइन किया, मैंने आइडिया को ज्वाइन किया, मैंने रिलायंस को ज्वाइन किया? नहीं कहते, वो कहते मैंने शुरुआत की है, एक स्टार्टअप किया है। ज्वाइन किया ये बोलना शब्द ही गलत है, क्योंकि ऐसे आप बोलते हैं वैसे आपके अंदर विचार आ जाता है कि ये काम किसी और का है, हम तो बस एक हिस्सा है। जबकि हमारे MD साहब तो ये कहते हैं, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब तो ये कहते हैं, हमारे CMD साहब तो ये कहते हैं कि मालिक तो आप सब है, हम तो बस आपके सेवक हैं। वो आपकी बड़प्पन है, वो आपका आदर्श है कि आप ऐसी बातें करते हैं। माय डियर फ्रेंड, हम ज्वाइन नहीं करते बिजनेस को, हम स्टार्ट करते हैं, और जिस दिन हम स्टार्ट करते हैं तो उस दिन से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है। एक फेसबुक प्रोफाइल भी अगर आप बनाते हैं, तो फेसबुक प्रोफाइल बनाने के बाद उसमें अपनी फोटो लगाते हैं, उसमें अपना नाम लिखते हैं, अपने काम को ऐड करते हैं। अब उस प्रोफाइल को बनने के बाद आप ये नहीं कहते कि मार्क चुकरवर का ये फेसबुक अकाउंट है, वो मेरा है, मेरा है। इसके द्वारा की गई सारी गतिविधियों की जिम्मेदारी आप लेते हैं, जहां से ना आपको कुछ मिल रहा है ना कुछ आप उनको देने वाले हो, वो आपका हो जाता है, आपका स्वयं का हो जाता है। लेकिन IMC के अंदर आने के बाद मैंने ज्वाइन किया और क्विट कर दिया। क्या उखाड़ लिए क्विट करके? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्विट कर दिया इसका मतलब यह कि आपको अपने सपनों के ऊपर विश्वास नहीं था, इसका मतलब आपको अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं था, इसका मतलब आप अपने सपनों के प्रति सीरियस नहीं थे, इसका मतलब ये कि आप कर नहीं सकते थे, ऐसा आपके अंदर विचारधारा थी। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर अच्छे अच्छों का अहंकार टूट जाता है, अच्छे अच्छों का अहंकार टूट जाता है इस इंडस्ट्री के अंदर, इसीलिए लोग करते नहीं। वो चाहते कि मेरे अहंकार का जो पर्दा मेरे सामने लगा रहे, अगर इस बिजनेस के अंदर जाऊंगा, जो आज मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूं कि मैं एक कॉल से 20 लोग को इकट्ठा कर दूंगा, एक होम मीटिंग के अंदर 5 लोग इकट्ठा नहीं होते, अगर ये सत्यता बाहर आ जाएगी तो उनका अहंकार चकनाचूर हो जाएगा। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मेरे इस शहर में इतने लोग हैं, इस क्षेत्र में मैं एक बार फोन कर देता हूं तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, इस इंडस्ट्री में आने के बाद कॉल करते रह जाएंगे बेचारे, कोई सुनने वाला नहीं है। तो अपने आप से वाकिफ होना है, अपनी वाकई सच्चाई अगर देखना है तो इस बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। यही सच्चाई पता चल जाती है, लोग इस बिजनेस के अंदर आते नहीं है, और जो आते हैं
तो टिकते नहीं है। आपसे झूठ बोला जाता है कि 3 साल 4 साल 5 साल का काम है, ये अगले महीने के 10 तारीख का बिजनेस नहीं है, ये अगले 10 पुस्तों का व्यवसाय है। आपको पूरे शिद्दत के साथ अपने 10 साल इस इंडस्ट्री के अंदर पूरी तरीके से देना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा। हम गलत इंफॉर्मेशन लोगों को देते हैं, हमारे अप्लाई ने ये अचीव किया, हमने वो प्राप्त किया, ये किया वो किया। माय डियर फ्रेंड, सारी अचीवमेंट तो आपने बता दी, लेकिन कैसे अचीव किया उस संघर्ष के बारे में आपने कभी बात ही नहीं की उनसे। क्यों? क्योंकि डर रहता, अगर हमने संघर्ष बता दिया तो वो एसोसिएट जो हमारे साथ जुड़ने वाला है वो कभी जुड़ेगा नहीं, वो डर के मारे भाग जाएगा। अच्छी बात है, भाग जाए, भाग जाने दीजिए। पहले भाग जाएगा तो आपको बेनिफिट होगा, अगर बाद में भागेगा तो उसकी जो जगह बन जाती है वहां से आप परेशान हो जाते हैं। भाग जाने दीजिए, जो संघर्ष से भागता है वो कहीं कामयाब नहीं। क्या लगता है आपसे छोड़ के जाएगा कहीं और बन जाएगा? कहीं नहीं बनेगा, वो कहीं भी नहीं बनेगा। जो व्यक्ति संघर्ष से भागता है, माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हवाई जहाज भी आसमान में तब तक ही रहता है जब तक वो हवाओं से संघर्ष करता है। अगर उसने मन बना लिया कि मैं हवाओं से संघर्ष करने वाला नहीं हूं तो जमींदोज हो जाएगा वो हवाई जहाज, जमींदोज हो जाएगा, जमीन पे पड़ा मिलेगा आपको। संघर्ष करना पड़ेगा, जो संघर्ष से भागता है उस इंडस्ट्री के काबिल ही नहीं है। ये बिजनेस है कोई चमत्कार नहीं, यहां भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बुनना पड़ेगा। एक ऊन का डब्बा लेते हैं, बुनना शुरू करते हैं, बुनते 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 एक स्वेटर तैयार होती है जिसको हम लोग पहनते हैं, तो बुनना पड़ेगा आपको लोगों को। फिर प्रकृति का नियम है, लोग आएंगे लोग जाएंगे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप उनको सही चीजें बताइए, इस इंडस्ट्री के अंदर संघर्ष को बताइए, इस इंडस्ट्री के अंदर मेहनत को बताइए। हम गलत एक्सपेक्टेशन दे देते हैं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम ज्वाइन हो 3 साल के बाद ये परिवर्तन है, गलत बात है। संघर्ष बताइए, हमने मेहनत की है। वो व्यक्ति गर्व के साथ इस बिजनेस में आएगा, लालच के साथ तो नहीं आएगा। और लालच के साथ आया इंसान, जैसे उसको लगता है कि नहीं यहां पे संभव नहीं है, वो पुनः आपको छोड़ के भाग जाएगा। और आप उन्हीं का फिर ढकोसला लेके बैठे रहते हैं, उन्हीं के समस्याओं को लेके बैठे रहते हैं कि यार वो छोड़ के चला गया। अपनी गलतियों पर हम नहीं ध्यान देते हैं, हम नहीं विचार कर पाते कि मैंने उसको झूठ बोल के लेके आया था। झूठ के बुनियाद पे कोई भी इमारत टिक नहीं सकती बहुत दिन तक, संघर्ष करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, सिखों ने संघर्ष किया है, मुसलमानों ने संघर्ष किया है, देवताओं ने संघर्ष किया है, यहां तक कि हम जिस स्वतंत्र देश के नागरिक हैं इस भारत देश ने भी 200 साल तक संघर्ष ही किया है। हम 2 साल के संघर्ष से डर गए, 2 साल के संघर्ष से डर जाएंगे? बिना संघर्ष से कुछ नहीं मिलने वाला, संघर्ष आपको करना पड़ेगा। और बिना संघर्ष से की मिली चीज की कीमत भी नहीं रहती। माय डियर फ्रेंड, संघर्ष आपको करना पड़ेगा। और संघर्ष जब आप किसी को बताएंगे, संघर्ष के बारे में आप बताएंगे कि इतना कुछ यहां पे करना पड़ता है, उसके बाद जो व्यक्ति आता है तो वाकई वो मेहनत करता है, अन्यथा वो व्यक्ति आपके साथ टिकने वाला नहीं है, वो बहुत जल्दी आपको छोड़ के भाग जाएगा। फिर उसकी समस्याएं लेके हम बैठे रहते हैं। आप खुद फील करिए, हम उस व्यक्ति के सामने लाखों की बात करते हैं जिस व्यक्ति के सॉफ्टवेयर में कभी लाख गया ही नहीं है। उसको एक ही चीज बताई गई हमेशा से, पढ़ लिख लो, 10,000 रुपए मिल जाए, 20,000 रुपए मिल जाए, 30,000 रुपए मिल जाए, जीवन सेटल्ड है, फिक्स है। उस व्यक्ति के सामने अगर आप लाखों का प्लान दिखा देंगे, करोड़ों का प्लान दिखा देंगे, तो आपको लगे कि मैंने लाखों की बात बताई, उसको समझ में आ गई। उसको समझ में नहीं आई, उसको सिर्फ लाखों दिखे हैं, उसको बात समझ में नहीं आई, कुछ सिर्फ लाखों रुपए उसने देखा है। आएगा लाख रुपए सोच के, एक गलत उम्मीद लेके आएगा, कुछ दिन देखेगा, कुछ दिन के बाद वो 9-11 हो जाएगा, किसी और कंपनी के अंदर भाग जाएगा। एक गलत मैसेज, एक गलत शब्द उस व्यक्ति को मजबूर कर देता है वहां से छोड़ के भागने के लिए। ऐसी कंडीशन में ना, जिस व्यक्ति को आप प्लान दे रहे होते हो लाख रुपए का, उस व्यक्ति का ना जो ऑटो है वो हिल जाता है, वो बेचारा भड़बड़ा जाता है, वो बौखला जाता है, उसके बौचक्के उड़ जाते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति किसी शहर में जाता है, नया था, एक ऑटो वाले को हाथ देता है, एक ऑटो वाले को हाथ दिया, ऑटो वाले ने गाड़ी ऑटो रोक दिया। जब ऑटो वाले ने ऑटो रोक दिया तो उसने अपना डेस्टिनेशन बताया कि मुझे फला जगह पे जाना है। ऑटो वाले ने बोला, बैठिए सर, पहुंचा के आते हैं आपको। वो पैसेंजर बैठ जाता है पीछे, ऑटो चल देती है, ऑटो चलती है चलती है चलती है, तकरीबन 15 मिनट के बाद उस व्यक्ति का डेस्टिनेशन आ जाता है।
उस व्यक्ति ने मुंह से ना बोल के उस व्यक्ति ने हाथों से उसके कंधे पे हाथ रख दिया, यह कहने के लिए कि गाड़ी रोक दो, यहीं पे मुझे उतरना है। जैसे ही उस पैसेंजर ने उस ऑटो ड्राइवर के कंधे पे हाथ रखा, वो ऑटो ड्राइवर अपने हैंडल को पकड़ के इधर उधर इधर उधर इधर उधर करते 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 ले जाके नाली के अंदर अपने ऑटो को डाल दिया। नाली के अंदर वो ऑटो का एक टायर चला जाता है, ऑटो से धुआं निकलने लगता है, पैसेंजर डर जाता है। जब पैसेंजर डर जाता है तो उतर के बाहर आता है और हाथ जोड़ लेता है वो ऑटो ड्राइवर के सामने के, सर मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे मालूम नहीं था कि अगर मैं आपके ऊपर हाथ रखूंगा तो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, आपका फोकस हट जाएगा, आप भड़बड़ा जाएंगे। उसको पता नहीं था, उसने माफी मांगी, लेकिन वो ऑटो ड्राइवर एकदम चुपचाप खड़ा था, हाथ जोड़ के कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो पैसेंजर हैरान था कि भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बेचारे गरीब का ऑटो मैंने जुड़वा दिया। अचानक से ऑटो वाला बोल पड़ा कि साहब गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है। पैसेंजर ने बोला कैसी बात कर रहे हो आप, गलती मेरी है क्योंकि मैंने आपके हाथ कंधे के ऊपर हाथ रख दिया था अनजाने में। तब भी ऑटो वाले ने कहा साहब फिर भी आपकी गलती नहीं, गलती मेरी है। तो पैसेंजर ने पूछा कैसे कैसे, तब उस ऑटो वाले ने जवाब दिया कि साहब ऑटो तो मैं आज पहली बार चला रहा हूं, इससे पहले मैं मुर्दों को उठाने वाली गाड़ी चलाता था, मुझे लगा कि किसी मुर्दे ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया, और मैं डर गया क्योंकि आज तक तो मैं मुर्दा उठाता था, आज पहली बार किसी जिंदा इंसान को लेके जा रहा था। माय डियर फ्रेंड, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 25,000, 50,000 जो व्यक्ति पूरे जीवन में उसी के इर्द गिर्द घूमता रह गया, उसके सामने 1,00,000 रुपए की बात बिल्कुल बिल्कुल उसी ऑटो ड्राइवर की तरह कंडीशन हो जाती है कि बंदा भड़बड़ा जाता है, वो इधर उधर गाड़ी लिया के ठोंक देता है, परेशान हो जाता है वो। माय डियर फ्रेंड, जो इंसान जीवन भर मुर्दा उठाया हो उसके सामने लाखों की बात कर देना उस व्यक्ति के भौचक्के उड़ा देगा, मत करिए। सिस्टमेटिक तरीके से एक एजुकेशन के साथ लोगों से बात करिए। किसी को गुमराह करके आप लेके आएंगे तो आपको गुमराह करके वो भाग जाएगा, नहीं टिकेगा, कभी नहीं टिकेगा, वो रुक ही नहीं सकता। इस बिजनेस के अंदर हमारी हमेशा एक्सपेक्टेशन होती है कि हम बुद्धिमान लोगों को ढूंढे, अच्छे अच्छे लोगों को लेके आए, अच्छे अच्छे लोगों को पकड़ के लेके आए जो हमारे काम को आसान बना दे। बुद्धिमानों की तलाश करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री के अंदर बुद्धिमान लोग बहुत कम है, और बुद्धिमान जब आता है तो वो काम ना करने के तरीके ढूंढता है, काम करने के तरीकों पे काम नहीं करता, वो काम ना करने के तरीकों पे काम करता है वो। कि किस प्रकार से हम लोगों को बेवकूफ बना के हम अपना काम निकलवा ले, वो आएगा पैसे देख के आएगा, लेकिन वो आपको ही बेवकूफ बनाने आएगा। इस इंडस्ट्री के अंदर आपको ढूंढना है तो ऐसे लोग को ढूंढिए जिनके अंदर जुनून है, जिनके अंदर भूख है, कुछ कर गुजरने की चाहत है, उनको मत ढूंढिए जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर डैमेज कर दिया गया है, उनका सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो चुका है। ढूंढना है तो उनको ढूंढिए जो कर कुछ कर गुजरने की जिनके अंदर चेष्टा है। पढ़ाई लिखाई यहां मैटर नहीं करती, अरे पढ़ लिख लिए तो बढ़िया, नहीं पढ़ लिख पाए और बढ़िया। एक खाली दिमाग के अंदर हम जो चाहें वो लिख सकते हैं, लेकिन एक भरा दिमाग अपने विचारधाराओं के साथ काम करेगा, और अगर खुद के सिस्टम से वो व्यक्ति काम करेगा तो हमारे सिस्टम में कभी सफल नहीं हो सकता। हमारे हाथों में सिर्फ बंदूक नहीं होती है, बाकी काम हम भी फौजी की तरह करते हैं। हाथों में सिर्फ हमारे बंदूक नहीं होती है, काम हम पूरी फौजियों की तरह करते हैं। वो फौजी 40,000 रुपए महीने के लिए छाती पे गोली खाने के लिए नहीं खड़ा रहता, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको मोटिवेशन दी जाती है, देश प्रेम की भावना जगाई जाती है उनके अंदर, उनके एटीट्यूड को बदला जाता है, उनके डिसिप्लिन डाली जाती है उनके अंदर, सीनियर से कैसे बात करना है, अपने जूनियर से कैसे बात करना, हर एक चीज के अंदर डिसिप्लिन डाली जाती है। लेकिन वो 40,000 रुपए के लिए नहीं टिके रहते वहां पे, वो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए टिके रहते हैं। माय डियर फ्रेंड, मातृभूमि की रक्षा के लिए टिके रहते हैं। हमें भी कुछ ऐसे विचार करने पड़ेंगे, हम 40,000-50,000 रुपए के लिए इंडस्ट्री के अंदर नहीं है। अभी मेरी डीएन सर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि शिवम जी इस बिजनेस के अंदर मुझे
चवन्नी भी ना आए फिर भी मैं काम करने के लिए तैयार हूं, यह भावना मेरे अंदर पैदा हो चुकी है। अगर वो भावना आपके अंदर भी पैदा हो जाती है तो देखिए पैसा तो आपके पीछे पीछे आएगा। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग इस समय ऐसे घूम रहे हैं जो कहते हैं कि हम भी आयुर्वेदिक हैं, हमारे पास भी आईएमसी जैसा ही प्लान है, हमारे पास भी आईएमसी जैसे ही प्रोडक्ट हैं, हमारे पास भी ऐसा ही मैनेजमेंट है जैसा आईएमसी के पास है, हम भी वैसे ही प्रोग्राम करते हैं जैसे आईएमसी करती है। माय डियर फ्रेंड, आप आईएमसी के जैसे हो, आईएमसी नहीं हो। हमें तो आईएमसी से प्यार है, आईएमसी से प्रेम है, हम तो आईएमसी को सैल्यूट करते हैं, आईएमसी को मानते हैं। आप सब कुछ हो सकते हो लेकिन आईएमसी नहीं हो ना आप, हमें आईएमसी से प्रेम है। और आईएमसी के बारे में मैं क्या बोलूं, लोग पूछा करते हैं मेरे से कि शिवम जी ये आईएमसी क्या है, तो मैं उनको जवाब देता हूं, सुनिएगा, मैं उनको जवाब देता हूं, कहता हूं कि एक बार खुदा से मेरी मुलाकात हुई, थोड़ी ही सही मगर मेरी बात हुई, मैंने खुदा से पूछ ही लिया कि आईएमसी क्या है और कैसा है, खुदा ने बोला कि संबंध बनाए रखो इस बिजनेस के साथ, ये बिल्कुल मेरे जैसा है, तो इतना पवित्र बिजनेस के अंदर अगर आज हम आए हैं, इतने नेक बिजनेस के अंदर अगर आज हम आए हैं, तो हमें इसके पोटेंशियल को समझना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को समझना पड़ेगा। और जो इंसान सही काम की कीमत को नहीं समझता, पतन निश्चित है, माय डियर फ्रेंड, पतन निश्चित है। कीमत को समझना पड़ेगा, जो काम आपको मिले उसकी वैल्यू को समझना पड़ेगा। मुझे याद आ रहा है कि एक बार एक लकड़हारा अपने जंगल में लकड़ी काट रहा था, एक राजा वहां से निकलता है, और राजा जब निकलता है वहां से तो मूर्छित अवस्था में वो थक के वहां पे बेहोश होकर गिर जाता है। जब गिर जाता है तो लकड़हारा महाराज को उठाता है, उठा के लेके जाता है अपने कमरे के अंदर उनको पानी पिलाता है, उनको दवाई देता है। जब वो राजा मूर्छित अवस्था से बाहर आते हैं, वापस अपने राज्य में लौट जाते हैं, और लकड़हारे को पुनः अपने राज्य में बुलवाते हैं, और बुलवा के उसे कहते हैं कि तूने मेरी विषम परिस्थिति में मदद की है, मैं तुझे अपना बगीचा दान में देता हूं, एक बगीचा मैं तुझे दान में दे देता हूं। वो लकड़हारा उस बगीचे में चला जाता है, उसका लकड़हारे का काम जो था वही करना उसने शुरू कर दिया। कुछ महीनों के बाद एक बार पुनः राजा उसी जंगल से निकलते हैं, और निकलने के बाद वो लकड़हारा पुनः मुलाकात करता है, हाथ जोड़ता है कि महाराज पिछली बार तो आपने मेरी मदद की थी, आपने मेरी हेल्प की थी, तो मेरा घर द्वार कई महीनों तक अच्छे से चल गया है, एक बार पुनः आप मेरी मदद कर दीजिए, एक बार पुनः मेरी आप हेल्प कर दीजिए जिससे मेरा कुछ महीनों का पेट और चल जाए। तो राजा परेशान हो गए, बोले अरे बाप रे, ये कितनी क्या कर दिया इसने इतने बड़े बगीचे को। तब राजा ने पूछा कि आखिर तुम करते क्या हो, तो उस बंदे ने बोला कि मैं लकड़ी को काटता हूं, जलाता हूं, कोयला बनाता हूं, कोयला बना के उस लकड़ी को मार्केट में बेचता हूं, कोयले को। तब राजा ने अपने पॉकेट के अंदर हाथ डाला और एक छोटी सी लकड़ी निकाली और लकड़ी को उस बंदे को दिया, और बोला कि जाओ इसे मार्केट के अंदर बेच किया। वो बंदा जाता है मार्केट में, खड़ा हो जाता है, वो बेचता भी नहीं है, उसके आसपास चारों तरफ लोग खड़े हो जाते हैं और खुद कहने लगते हैं कि इसकी बोली लगाना शुरू करते हैं कि इस लकड़ी को मैं इतने हजार में लूंगा, इतने लाख रुपए में लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वो बंदा हैरान हो जाता है कि इस छोटी सी लकड़ी की कीमत उतनी है जितने में मैंने पूरा बगीचा बेच दिया, आखिर है क्या ये। भाग के वापस महाराज के पास आता, महाराज से पूछता कि सर ये आप, महाराज आपने क्या दिया था, कौन सी ऐसी क्या चीज दे दी थी। तब उसे महाराज ने कहा कि तूने इसकी कीमत नहीं समझी, मैंने तुझे चंदन की लकड़ी दी हुई थी जिसको तुमने जला के कोयला बना दिया, तुमने इसकी वैल्यू को नहीं समझा, इसके बारे में तुमने नॉलेज नहीं लिया, हमने चंदन को कोयला बना के बेच दिया, अगर वो चंदन को बेचता तो आज उसकी आमदनी कितने में होती, लेकिन उसने कोयला बना दिया। इस बिजनेस को भी हम लोग ऐसे हल्के ढंग से लिया करते हैं, लगता है कि बस इधर से हम आलू डालेंगे, इधर से हम सोना निकलेंगे वाली कहानी, तत्काल सब कुछ हो जाए, कुछ नहीं होता। 10 साल तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा, 20 साल तक आपको मेहनत करना पड़ेगा, और जो इंसान संघर्ष ही नहीं करता क्या करेगा। और संघर्ष आज डायरेक्ट लिंग इंडस्ट्री भी कर रही है, डायरेक्ट लिंग इंडस्ट्री के अंदर आज संघर्ष चल रहा है। यकीन मानिए, संघर्ष के दिन पे जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर टिक गया, कल
स्वतंत्रता सेनानियों की तरह उनकी भी पूजा होगी। लेकिन आज इस इंडस्ट्री में जब संघर्ष चल रहा है, उस टाइम पे अगर कोई भाग गया, डर के भाग गया, यकीनन उस व्यक्ति की कोई गणना, कोई तुलना नहीं होने वाली है। किसी जंगल में आग लगती है, एक छोटी चिड़िया अपने चोंच में पानी भरती है और जा जाके उस जंगल में पानी फेंकती है, बार बार फेंकती है, फिर भरती है, फिर फेंकती है, फिर भरती है, फिर फेंकती है। वहां पे बैठा बंदर कहता है कि अरे चिड़िया, तेरे चोंच में इतनी शक्ति कहाँ है, तेरे चोंच में इतनी जगह कहाँ है कि तू इस जंगल में लगी आग को अपने मुंह के चोंच में भर के पानी को बुझा सकती है। तो चिड़िया ने बड़े मुस्कुरा के कहा कि मुझे तो नहीं पता कि मैं इस जंगल में लगी आग को बुझा पाऊंगी या नहीं बुझा पाऊंगी, लेकिन जब भी इस जंगल का इतिहास पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा, तो तेरा नाम हंसने वालों में लिखा जाएगा और मेरा नाम इस जंगल में लगी आग को बुझाने वालों में लिया जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से आज इंडस्ट्री के अंदर आज संघर्ष चल रहा है। अगर आप हंस रहे हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहने वाली आगे 5 सालों के बाद, क्योंकि अगले 5 सालों के अंदर इंडस्ट्री के अंदर वो परिवर्तन आएगा, वो चेंजेस आएंगे जिसकी आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पढ़ लिख के लोग आ रहे हैं बंदर, अब देखिएगा 2-4 साल बाद स्थिति क्या होने वाली है। टिक गए तो दिख गए, और नहीं दिखे तो फिर तो बिक गए। कोई परिवर्तन नहीं आएगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष के दिनों में जो बंदा टिका रहता है, बदलाव वहीं आता है। तो माय डियर फ्रेंड, पिछले प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको बताया था हमारे जीवन का मूल पर्पज क्या होना चाहिए, मूल कारण क्या होना चाहिए, और आज मैं आपको बताने वाला हूं लीडरशिप के 6 वो सीक्रेट्स जो सिर्फ सफल लीडर्स को ही पता होता है। और मैं आपको कॉन्टेंट देने नहीं आया हूं कि मैं आपको कॉन्टेंट दूं, आप उसको नोट करो और जाके अपनी टीम के अंदर उसको शेयर करो। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, हम करें फिर लोगों को बताएं, हम पढ़ लें फिर दूसरों को पढ़ाएं वाला सिस्टम यहां पे नहीं चलता। अधिकतर लोगों को मैंने देखा है कि वो कंटेंट लिखते हैं कि मैं कितना ज्यादा लोगों को बता दूं, अधिक ज्ञान से लोग परेशान हो जाते हैं, नहीं हो पाता, लोगों के पास पेशेंस ही नहीं है इतना कि आपको सुने बैठ के वो। तो आज मैं 6 ऐसे रहस्य आपको बताने वाला हूं, 6 ऐसे राज जो आप जानते भी हैं लेकिन वाकई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए वैल्यूएबल है, ये आप नहीं जानते, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। उसको आप नोट डाउन करके अपने जीवन के अंदर इंप्लीमेंट करिए, उसको फॉलो करिए, ना कि आप उसे लोगों को जाकर शेयर करिए। तो हमारे 6 सीक्रेट ऑफ लीडरशिप का जो हमारा पहला पॉइंट है, वो पहला पॉइंट यह है द गेम इज इन अननोन मार्केट। वंस अगेन, द गेम इज इन अननोन मार्केट। किसी सफल व्यक्ति को, सफल लीडर को एक बात भली भांति पता होती है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर हमें कामयाब होना है तो हमें नॉन मार्केट में, यानी कि जहां पे हम लोगों को जानते बूझते वहां पे हम काम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे चलाया गया हाथ पैर निरर्थक हो जाता है, बेकार हो जाता है, उल्टा आप मजाक के पात्र बनते हैं। शुरुआत में बन गए अगर मजाक के पात्र तो आप सिस्टम को छोड़ देंगे। ये सारा गेम डायरेक्ट सेलिंग का अननोन मार्केट के ऊपर टिका हुआ है। आपसे ही मैं पूछता हूं, आपको जिस व्यक्ति ने स्पॉन्सर किया है वो आपके मोहल्ले का तो नहीं होगा, आपका पड़ोसी तो नहीं होगा, कोई अननोन अनजान व्यक्ति होगा जिससे आपके कोई संबंध नहीं थे, लेकिन आज वो आपके बिजनेस में आपका अपलाइन है, वो आपकी टीम के अंदर लाइफ लाइन है, कोई परिचय नहीं था। और आज तक मैंने एक मोहल्ले में 2 चेयरमैन कभी देखे ही नहीं, आज तक मैंने एक मोहल्ले के अंदर दो चेयरमैन देखा ही नहीं। ये बात यह सिद्ध करती है कि कभी भी एक मोहल्ले में लोग आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, कभी नहीं सुन सकते। नॉन मार्केट से बाहर आइए, आपके जान पहचान वाले एरिया में वो बात के लोग हैं। सफल होने के बाद भी आपसे मैं खुद पूछता हूं, जो व्यक्ति कामयाब हो गए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, उनका भी आस पड़ोस आप जाकर चेक करिएगा, अगर उनके साथ उनके पड़ोसी नहीं है तो आप तो संघर्ष कर रहे हैं। जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास BMW है, जिसके पास सब कुछ है, उनके पड़ोसी अगर उनके साथ काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ तालियां बजा रहे हैं, यही कह रहे हैं कि हाँ मुझे पता है तुम कर लोगे, क्योंकि आज भी उनके अंदर एक खटाक है कि अगर जहां तक ये पहुंच गया है मेरे काम ना करने के बावजूद भी अगर मैंने थोड़ा और कर दिया तो और आगे चला जाएगा, ये उनके अंदर ये विचार है जिसको आप बदल नहीं सकते। माय डियर फ्रेंड, नॉन मार्केट में आप काम मत करिए, वो आपके लिए सिर्फ रिहर्सल की जगह है जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं लोगों के साथ,
उनके साथ थोड़ा सा तोड़ मरोड़ होगा तो आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी, आपका नॉलेज गेन हो जाएगा, आपको काम में और सहूलियत होगी। लेकिन रिजल्ट हमेशा अननोन मार्केट से आता है। आपसे मैं सवाल करता हूं, आप ज्यादा लोग को जानते हैं या आप ज्यादा लोग को नहीं जानते हैं? आपके अंदर से जवाब आएगा हम ज्यादा लोग को नहीं जानते हैं। यानी कि ज्यादा लोग को नहीं जानते तो आप ना जानने वाले लोगों को पकड़िए, जिनको आप नहीं पहचानते, जिनको आप नहीं जानते उनके साथ मिलकर काम करिए। जिनको आप जानते हैं वहां पे आप काम नहीं कर सकते, चाह के भी आप काम नहीं कर सकते। द गेम इज अननोन मार्केट। बड़े लीडर इस सीक्रेट को पहचानते हैं। जब आप पहुंचेंगे अननोन मार्केट के ऊपर, उसके बाद दूसरी चीज होती है जब आप अननोन मार्केट के पास जाएंगे तो दूसरी चीज होती है अमेजिंग इन रिलेशनशिप बिल्डिंग। जो बड़े लीडर्स होते हैं, जो बड़े बड़े धुरंधर होते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, उनके अंदर एक कला होती है कि किसी अनजान को भी अपना बना लेते हैं, किसी अननोन पर्सन को भी इतने बढ़िया तरीके से वो मिलते हैं कि वो व्यक्ति समझ जाता है कि यार वाकई इसके अंदर वो पावर है, पोटेंशियल है, इससे कितना बढ़िया संबंध बनाता है। तो आपको लोगों से मिलने के तरीकों में परिवर्तन करना पड़ेगा, लोगों से बात करने के तरीकों में परिवर्तन करना पड़ेगा। एक ऐसे पैंतर को आजमाना पड़ेगा जहां से आप जिसके साथ भी मुलाकात करिए एकदम मैग्नेटिक पर्सनालिटी आपको बनना पड़ेगा, अमेजिंग इन रिलेशनशिप बिल्डिंग, बहुत तगड़ा आपको व्यवहार बनाना पड़ेगा लोगों के साथ, अमेजिंग इन रिलेशनशिप बिल्डिंग। इसके लिए हमें एक चीज समझना होगा कि हमारे अंदर से अहंकार को हमें पहले सबसे पहले बाहर करना पड़ेगा। हमारे अंदर, हमारे भारतीय सभ्यता के अंदर एक चीज बताई जाती है, माहौल, ये समाज हमेशा बोलता है अरे उसने मेरे से पहले बात किया था, मैंने तो बोला ही नहीं कुछ। ये बात उनको बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा प्राउड फील होता है, अरे बाप रे उसने मेरे से पहले से बोला तो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। ये बात उनको गर्व महसूस कराती है। अपना अपना खोल होता है लोगों का, अपने से बना के अपने से बातें बोल देते। माय डियर फ्रेंड, सच्चाई तो ये है कि जो व्यक्ति जितना अच्छे तरीके से लोगों से घुलता मिलता है, उस व्यक्ति की तरक्की उतनी ज्यादा होती है। तो हमें रिलेशन बनाने का मास्टर बनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कैसे हम अननोन लोगों को अपना बनाएं, अननोन लोगों के साथ हम अपने व्यवहार को मजबूत करें। अगला पॉइंट, नेवर कन्विंस द पीपल। हमें कन्विंस नहीं करना चाहिए लोगों को। हम कन्विंस करने के लिए नहीं आए, हम कनेक्ट करने आए लोगों से। हमें कनेक्ट होना पड़ेगा, हमें लोगों को जुड़ना पड़ेगा, हमें उनको सॉल्यूशन देना पड़ेगा, हमें उनको कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर आप किसी को कन्विंस करने जाते हो, इसका मतलब यह कि आप सफाई देने जा रहे हो, आपके पास वो क्वालिटी नहीं है। कन्विंस हमेशा गलत चीजों को करने के लिए किया जाता है, अच्छी चीजों की सिर्फ सच्चाई बताई जाती है। उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति करेगा या नहीं करेगा। कन्विंस हमें नहीं करना है, हमें कनेक्ट करना है। कन्विंस वहां किया जाता है जो काम गलत होते, दो नंबर वाले होते कि भाई ये काम गलत वाला है, थोड़ा सा तू मिल जाओ, थोड़ा सा मैं मिल जाऊं, मिलकर अपन दोनों चुपचाप कर लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे हम शोर शराबे के साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं, हमें कनेक्ट करना है लोगों को, हम एक क्रांति के लिए काम कर रहे हैं, हम एक बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, हम आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने के लिए बात कर रहे हैं। तो हमें गर्व से करना चाहिए कि हम एक ऐसे देश के निवासी है जहां पे जहां की जो परंपरा है, जहां की जो सभ्यता, जहां की जो संस्कृति है, आयुर्वेद से जुड़ी हुई है। अरे सऊदी अरब वाले अगर कह सकते हैं कि मैं गर्व करता हूं कि हम पूरे विश्व को तेल सप्लाई करते हैं, तो क्या आप गर्व से नहीं कह सकते कि मैं पूरे विश्व को आयुर्वेद सप्लाई करता हूं? उनको तेल के ऊपर अपना घमंड है, तो क्या आपको अपने आयुर्वेद के ऊपर घमंड नहीं है? करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। आयुर्वेद एक ऐसी चीज है जो हिंदुस्तान के अलावा कहीं और नहीं है, आयुर्वेद से बड़ा ट्रीटमेंट इस धरती पर कहीं नहीं है। और आयुर्वेद और डायरेक्ट सेलिंग का जो डेडली कॉम्बिनेशन है, उसे आईएमसी के पास कहीं और नहीं है। नेवर कन्विंस द पीपल, लोगों को कन्विंस करना बंद करिए, उनके साथ कनेक्ट होना शुरू करिए। जब कनेक्ट होंगे सही तरीके से, उनको सच्चाई के साथ जब कनेक्ट करेंगे, वो व्यक्ति लंबे समय तक टिकने वाला है और आप भी टिकेंगे। आप अपनी गलतियों के कारण भागते हैं, किसी और के लिए।
द वैल्यू देम स्लीप, हमें वैल्यू करना पड़ेगा अपने काम की, अपने नाम की, अपने प्रोडक्ट की, अपने प्रोफाइल की, अपने अपलाइन की, अपने टीम की, अपने पिन की, अपने लेवल की, हमें वैल्यू करना पड़ेगा। हमें धन्यवाद करना चाहेगा जो हमें मिला है, क्योंकि इस एक्सपीरियंस ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि पहले मैं रोता था कि मेरे पास जूते नहीं हैं, फिर मैं रोना ही बंद कर दिया जब मैंने देखा कुछ लोगों के पास तो पैर ही नहीं है। तो आपके पास जो अपलाइन है, आपके पास जो मैनेजमेंट है, आपके पास जो लीडर्स हैं, आपके पास जो ट्रेनर्स हैं, उसके लिए आप धन्यवाद कहिए, उसकी वैल्यू समझिए, पहले उसकी कीमत को समझिए। एक बार तीन सहेलियां रास्ते से जा रही थी, उनमें से एक की शादी हो गई थी, जिसने अपने नाक के अंदर नथ पहना हुआ था और वो नथ उसके ससुराल वालों ने दिया हुआ था। तो अपनी सहेलियों से बार बार बोल रही थी, देख सखी, मेरे ससुराल पक्ष वालों ने, मेरे पति ने मुझे नथ भेंट में दिया है, गिफ्ट में दिया हुआ है। बाकी सहेलियां बोलती थी, वाह, अरे वाह, गजब, बहुत खूबसूरत लग रही है। और इस बात को संत रविदास जी देख रहे थे, हरि भजन में लीन थे, लेकिन इस बात को बार बार नोटिस कर रहे थे कि एक लड़की है जो बार बार ये कह रही है कि मेरे पति ने नथ दिया है, एक मेरे पति ने मुझे नथ दिया है, देख ये नथ कितनी खूबसूरत है। तो संत रविदास जी उस लड़की के पास जाते हैं, कहते हैं कि पुत्री, नाथनी दीन यार ने तो चिंतन बारंबार, नाक दीनी करतार ने तो उनको दिया विसार। नाथनी दीन यार ने तो चिंतन बारंबार और नाक दीन करतार ने तो उनको दिया विसार। जिस पति ने तुम्हें एक नथ दिया हुआ जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसके लिए तुम बार बार उसका शुक्रिया अदा करती हो, लेकिन जिस ईश्वर ने तुम्हें इतना खूबसूरत शरीर दिया है, ये नाक दी है जहां पे तुम उसको पहनोगी, उस ईश्वर के बारे में तुमने एक शब्द भी नहीं बोला। ठीक उसी प्रकार से हम आज की चक्कर चौंध भरी लाइफ में इतना ज्यादा व्यस्त है कि एक्चुअल में जो हमारे पास है उसकी हम वैल्यू नहीं कर पाते, हम अपने लेवल की वैल्यू नहीं कर पाते, अपने पिन की, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं कर पाते। अक्सर दूर के ढोल सुहावने दिखते हैं, दूसरे कंपनी का लीडर बहुत बढ़िया लगता है आपको, दूसरे कंपनी के वीडियोज आपको प्रमोट करने में बहुत मजे आते हैं, दूसरे कंपनी के स्टेटस कॉपी करने में बहुत मजा आता है। आप उनका विकास, आप उनके विकास में उनका सहयोग करते हो, अपने विकास में नहीं। अपनी खुद की वैल्यू समझिए, अपने आप को प्रेजेंट करिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करिए, किसी और को अवसर मत दीजिए, नहीं तो वो लेके जाएंगे आपके कारण सफलता, आपको हाथ में कुछ नहीं आएगा, आपके हाथ में वो रेत आएगी जो धीरे धीरे फिसल जाएगी, एक समय बाद मुट्ठी खुलेगी तो हाथ में कुछ नहीं होगा। द वैल्यू देम स्लीप। और मेरा छठा पॉइंट है, लीडर आर सेल्फ सफिशियंट। लीडर हमेशा आत्मनिर्भर होता है, और जो किसी के ऊपर निर्भर है वो फिर लीडर नहीं होता है। लीडर आर सेल्फ सफिशियंट, लीडर आत्मनिर्भर होता है, फिर अगर किसी के ऊपर आश्रित है फिर वो लीडर नहीं होता है। बहुत सारे मार्केट के अंदर, ऐसे आज के टाइम भी गीदड़ के खाल में लीडर घूम रहे हैं, लीडर बने घूम रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो लीडर नहीं है। लीडर की क्वालिटी जो होनी चाहिए उनके अंदर लीडर वाली क्वालिटी नहीं है। एक जंगल में एक चूहा था, अपने बिल के अंदर रहता था। एक जादूगर आता है, जादूगर बोलता है कि चल चूहे, मैं तुझे जंगल घुमा के लेके आता हूं। तो चूहा कहता है कि यार चल तो दूं, लेकिन एक डर है कहीं बिल्ली ने मुझे खा लिया तो। तब जादूगर ने कहा, बस इतनी सी बात, तुझे बिल्ली का डर है। तो जादूगर ने छड़ी निकाली और बोला, इत्तू बित्तू झिम पतूता छू, उसको बिल्ली बना दिया। बोला, चल अब तू बिल्ली होगी, अब तुझे किसी का डर नहीं है। कुछ दूर तक ऐसे 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 करके आगे जाती है, फिर लौट के अपने बिल के अंदर घुस जाती है। कहती है कि जादूगर भाई, जंगल में कुत्ते बहुत हैं, तो कुत्ता ने मुझे दौड़ा लिया तो हमारी अतड़िया खा जाएगा वो। जादूगर ने बोला, इतनी सी बात, तुझे कुत्ते से डर है। उसने फिर झाड़ी निकाली और बोला, इत्तू बित्तू झिम पतूता छू, बना दिया कुत्ता। बोला, अरे वाह सर, वाह, अब तो कुत्ता बन गया। फिर चला कुछ दूर तक, फिर भौंका, फिर दहाड़ा, कुछ दूर जाके फिर लौट के आके अपने बिल में बैठ गया। बोला, यार
नहीं जाऊंगा। जादूगर भाई बोला, क्यों? क्योंकि जंगल में शेर है, अगर शेर ने पकड़ लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो बोला, बस इतनी सी बात? तुझे शेर से डर है? उसने छड़ी निकाला, बोला इत्तु बित्तु झिम पतूता छू, शेर बना दिया। शेर बन गया वो चूहा, शेर बन गया। अब शेर बनने के बाद फिर निकला, फिर दौड़ा कुछ दूर तक, फिर लौट के आके अपने बिल के अंदर घुस गया और फिर बोला कि यार जादूगर भाई, इस जंगल में शिकारी बहुत घूमते हैं, किसी ने गोली मार दी तो फिर मैं ना घर का रह जाऊंगा ना घाट का। उस बंदे ने फिर छड़ी निकाली और बोलना ही था उसको मंत्र, तो उस व्यक्ति के दिमाग में बात आ गई कि अब इसको कुछ नहीं बनाएंगे, इसको हम कुछ भी बना देंगे, लेकिन इसके कलेजे में अगर चूहा बैठा है तो इसको शिकारी में बना देने से कोई मतलब नहीं है, इसके दिल में चूहा बैठा है तो इसको शेर बना देने से कोई मतलब नहीं है, इसके दिल में अगर चूहा बैठा है तो इसको बिल्ली बना देने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे हमारे लीडर हैं, आपको बहुत सारी पिन तो मिल जाती हैं, बहुत सारी अचीवमेंट तो मिल जाती हैं, लेकिन अगर अंदर ही लीडर नहीं छिपा हुआ है तो आप उनको कितना प्रमोट करो, कितना स्टेज में खड़ा करो, कितनी मीटिंग करवाओ, कितना स्टेज में बुलवाओ, अंदर अगर लीडर नहीं छिपा हुआ है तो बाहर नहीं आएगा। लीडर अंदर से निकलता है, अंदर से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, कभी रोता कभी रोता नहीं है लीडर, सेल्फ सफिशियंट होता है, एक प्रकृति की तरह होता है लीडर, समझिएगा। प्रकृति क्या है? पेड़ पौधे हवा पानी पहाड़ पत्थर, प्रकृति है। प्रकृति कभी नहीं कहती, प्रकृति कभी नहीं कहती कि हे मानव तू जीवित रहे तो मेरा वर्चस्व है, मेरा वजूद है। पेड़ पत्थर पहाड़ पत्तियां घास फूस ये सब कुछ कभी नहीं कहते कि हे मानव तेरा वर्चस्व तेरा वजूद रहेगा तो मैं जीवित रहूंगा, लेकिन एक मनुष्य कहता है कि हे जल तुझे रहना जरूरी है, हे हवा तुझे रहना जरूरी है, हे पहाड़ तुझे रहना जरूरी है, अगर तू नहीं रहेगा तो मेरा वर्चस्व मिट जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एक लीडर को होना चाहिए, किसी के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हूं, मैंने बनाया था टीम, टूट गई मैं फिर से बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको टिके रहना पड़ेगा, टिके रहना पड़ेगा, डटे रहना पड़ेगा। आपको कोई व्यक्ति बरगलाने आता है, आपको कोई व्यक्ति घुमाने फिराने आता है, तो आप उसके इंटेंशन को समझिए, शब्दों पे मत जाइए, क्योंकि ये मायापूर्ण धरती है, मायावी लोगों की यहां कमी नहीं है। आपको किस प्रकार से हैंडल करना है, उनको अच्छी तरीके से आता है, उनके इंटेंशन को समझिएगा, उस व्यक्ति के आपके पास आने का कारण जरूर समझिएगा, आखिर क्यों आया आपके पास? वो आपको बरगलाने आया है, वो आपको गुमराह करने आया है, वो आपको काट के अपने तने के अंदर अपने अपने नेटवर्क को बढ़वाने बढ़वाने के लिए आया है, वो अपने काम को बड़ा करवाने के लिए आया है। बरगलाना नहीं है हमें किसी को। लीडर हमेशा सेल्फ सफिशिएंट होता है, आत्मनिर्भर होता है, जिस जगह पर उसकी आईडी होती है उस आईडी के नीचे जितने भी लोग हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। मायावी लोगों से बिल्कुल हमें बच के रहना, माय डियर फ्रेंड, बहुत मायापूर्ण है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है लोगों को, किस कंपनी में जाओ ये बात करना तो वो व्यक्ति आपके साथ आ जाएगा, इस कंपनी में जाओ ये बात, उनकी ट्रेनिंग होती है पर्सनल। उनकी पर्सनल ट्रेनिंग होती है, उनको सिखाया जाता है, हमारे यहां तो प्रोडक्ट बताया जाता है, हमारे यहां तो प्रोफाइल बताई जाती है। कुछ कंपनियों के अंदर मैंने देखा था, मुझे भी बहुत सारे कॉल आए, शिवम जी कितना कमा लेते हो? मैंने बोला औकात के हिसाब से कमा लेता हूं सर। बोले क्या बात करते हो, आपकी औकात तो बहुत बड़ी है, आप मेरे पास आओ, तीसरे महीने से 5 लाख रुपए महीने, आप जैसे लीडर ही तो चाहिए हमें। अगर दिमाग में लाला छाबी हो जाए और मानवता से हमने कब्जा हटा लिया तो मैं जा भी सकता था, क्या लगा है मेरा इस बिजनेस के अंदर? कुछ लगा तो है नहीं, जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं बिकना नहीं है। आज बिक जाओगे, आज कमालोगे, कल घुट घुट के मरोगे, खुद परेशान होगे, खुद अंदर से रूह कांपेगी कि यार मैंने क्या क्या मैंने कर दिया। माय डियर फ्रेंड, बहुत ही शानदार बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर हम तरह तरह की चीजों की खोज करते रहते हैं, काम को बढ़ाने की खोज करते रहते हैं, समय भी ज्यादा हो रहा है, मैं मुश्किल से 2-4 मिनट और आपसे बात करूंगा। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए साधनों कि नहीं, आपको साधना की आवश्यकता है। हम रोते रहते हैं कि मीटिंग नहीं हो रही है, ट्रेनिंग नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हमें संसाधनों की आवश्यकता नहीं, हमें साधना की आवश्यकता है।
इस बिजनेस के प्रति आप साधना रखिए, इस बिजनेस के प्रति आप प्रेम रखिए, इससे आसान काम कुछ और है ही नहीं धरती के अंदर, कुछ भी नहीं है। समझ आ जाए, लोग तो कहते हैं मैंने समंदर को अच्छे तरीके से जानता हूं, लेकिन वैज्ञानिक उस समंदर के बारे में मात्र 5% ही खोज पाए हैं, 95% वो समंदर रहस्य है। ये बिजनेस के अंदर भी सेम स्थिति है, लोग इसको 5% भी ठीक से नहीं जानते, 95% रहस्य है, लेकिन उनको कहना होता है कि हम सब जानते हैं। वो दिमाग लगाते हैं कि पैसा कैसे आता है। एक अंग्रेज आता है भारत के अंदर, जब भारत में आता है तो एक गांव में जाता है, गांव के मुखिया से मिलता है, मुखिया उसको अपने घर लेके जाता है, तो खटिए में बैठाता है, तो पास में बधी एक भैंस का दूध निकालता है, और दूध निकाल के एक गिलास बढ़िया गर्मा गर्म दूध उस अंग्रेज को दे देता है। वो अंग्रेज दूध पीता है, और दूध पीते पीते उसके दिमाग में ख्याल आता है, वो दिमाग लगाता है, बहुत बुद्धिमान था बेचारा, पढ़ा लिखा था। अजीब घटना है यार, भैंस काली है, हरा चारा खा रही है, दूध सफेद कैसे दे रही है, ये कैसी कैसा चमत्कार है। वो अंग्रेज आज भी आईसीयू में भर्ती है, खोजते खोजते उसका जीवन निकल गया, सिस्टम को खोज नहीं पाया, और खोजना भी होगा तो भैंस को काटे, और काटेगा तो सिस्टम ही खत्म। माय डियर फ्रेंड, सिस्टम बन चुका है, क्या बना है कैसे बना है कोई मतलब नहीं। आप इस इंडस्ट्री के अंदर जो सिस्टम बना हो, सिस्टम को प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए, फिर भैंस चाहे काली हो, चाहे वो हरा चारा खाए, फिर चाहे सफेद दूध दे, कोई मतलब नहीं। आपको दूध पीने से मतलब पीजिए, क्या फर्क पड़ता है। धरती का सबसे आसान काम है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बना बनाया सिस्टम ऑलरेडी है। लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो कुछ नहीं कर सकता वो भी आईएमसी कर सकता है, जो आईएमसी नहीं कर सकता, कसम भवानी की वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आईएमसी जीवन जीने की कला सिखाता है। इस कला को भी अगर आप नहीं एक्सेप्ट कर पाए तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल आपके इलाहाबाद के अंदर एक बहुत ही शानदार वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर हमारे लगभग 8 चेयरमैन, एक एम्बेसडर और दो सीपी का जो सम्मेलन होने जा रहा है, उस प्रोग्राम के अंदर आपको बैठने की आवश्यकता है। पूरे जोश, पूरे होश और पूरे जुनून के साथ उस प्रोग्राम को अटेंड करने की आवश्यकता। उस प्रोग्राम के अंदर कराए गए आपको फील, उस प्रोग्राम के अंदर जो आपको बातें बताई जाएंगी, वो सारी की सारी बातें रहस्यपूर्ण होंगी, जो किसी और को पता नहीं है, सिर्फ आप जानने वाले हो। लगभग सीट तो बुक हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर गुरु जी का आशीर्वाद रहा, डीएन सर का आशीर्वाद आपके ऊपर वाकई रहा, तो आपको भी कहीं कोने में सीट मिल सकती है बैठने के लिए। तो कल का प्रोग्राम 16 अक्टूबर का जो प्रोग्राम इलाहाबाद के अंदर होने जा रहा है, उस प्रोग्राम को बिल्कुल भी मिस मत करिए। इतनी जबरदस्त तैयारी, इतनी जबरदस्त प्लानिंग, एकदम मैंने शुरुआत में बताया था कि खून शरीर के जिस हिस्से में खून का दौड़ाव नहीं होता उस हिस्से में लकवा मार जाता है। अगर आप भी कम्युनिकेशन से बाहर जाएंगे तो आपको भी मानसिक तौर का लकवा मार जाएगा। तो कम्युनिकेशन के अंदर आइए, उस जगह पर जाइए, उस प्रोग्राम को अटेंड करिए, और प्रोग्राम को अटेंड करके आपके अंदर जो परिवर्तन आएगा मार्केट पे एकदम उसको शेयर करिए, ब्लास्ट होगा। अगले कुछ महीनों के अंदर, अगले कुछ इस सत्र के अंदर हमें बहुत बड़ा काम करना, अपने अपने पिन को चेंज करना है, और 5000 बिजनेस वैल्यू अगर आईएमसी किया तो 5000 करना ही पड़ेगा। आईएमसी में आकर अगर आपने 5000 बीवी नहीं किया तो क्या किया, और 5000 बीवी आईएमसी में आकर नहीं किया तो क्या किया। 5000 बीवी बार बार लगातार हर बार हमें करना है, और उसी एटमोस्फेयर को हमें लगातार फॉलो करना है। अंत में बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को अपनी अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, खुद की शक्तियों को जानना पड़ेगा, और कहना पड़ेगा कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है। अरे मैं भीड़ नहीं हूं इस दुनिया की, क्योंकि मेरे अंदर भी एक जमाना है, तो आप सबके अंदर वो पोटेंशियल है, आप सबके अंदर वो नॉलेज है, आप सबके अंदर वो एथिक्स गट्स है कि आप अपने लाइफ के अंदर कामयाबी को प्राप्त कर सकते हो। लास्ट में एक बार फिर से जागो रे सॉन्ग के साथ आज के प्रोग्राम को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, गुड एमसी, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू गजब सर, थैंक यू शौकत अंसारी जी, थैंक यू।
गुड एमसी सर जी, ओके चले गुरु, थैंक्स फॉर वंडर जिसम, थैंक यू मैडम, थैंक यू अभिषेक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सेवा मैडम, और अभिषेक सर का ये मैनेजमेंट वाकई बहुत लाजवाब है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे एक बार फिर अवसर देने के लिए। ट्रेन का फोन दिया जी, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद अपने अमूल्य समय को देने के लिए, मैं शिवम नामदेव आप सभी का तहे दिल से आभारी हूँ, गुड एमसी, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।